मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी फटाफट से अपनी मोरल की बुक निकाल लीजिए। आज हम मोरल में चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 4 का नेम क्या है, वे ऑफ वर्किंग। वे मींस तरीका, ऑफ का वर्किंग, काम का तरीका। देखिए, हर एक काम को करने का एक तरीका होता है। हर एक काम को करने का तरीका होता है ना, कि कोई भी काम ऐसे ही हो जाता है। हम कोई भी काम करते हैं तो एक तरीके के साथ उस काम को करते हैं। तो आज पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहूँगी कि आप सभी बच्चों ने चैप्टर 3 रीड कर लिया, किया कि नहीं किया? आप सभी को चैप्टर 3 समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आप सभी बच्चों को चैप्टर 3 समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर 3 समझने में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को बार बार देखिए और बार बार देखकर उसको समझिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, वे ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका। तो स्टार्ट करते हैं, आखिर इस स्टोरी में है क्या। तो सब एक्साइटेड है ना स्टोरी पढ़ने के लिए, सबको जानना है कि आखिर क्या इस स्टोरी से हम कैसे सीख सकते हैं काम करने का तरीका। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हम इस पैराग्राफ को इंग्लिश में रीड करेंगे। इंग्लिश में भी रीड करना हमें आना चाहिए ना, कि कहाँ पर स्टॉप करना है, कहाँ बोलना है। तो रीड करते हैं। मिस्टर रामचंद्र हैड 4 सन्स। ऑल द 4 वर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। मिस्टर रामचंद्र loved them all and gave them good education in a very good school. After a few years, they finished their studies and joined their father in his business. They worked very hard and sincerely with him the whole day. All the 4 were honest, laborious and cooperative. However, their father was not very much happy and satisfied with their way of working. क्या है इस पैराग्राफ में? मिस्टर रामचंद्र हैड 4 सन्स। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी? मिस्टर श्री रामचंद्र के 4 पुत्र थे, मतलब जो रामचंद्र था उनके कितने पुत्र थे? 4। कितने? 4। ऑल द 4 वर इंटेलिजेंट। चारों ही कैसे थे? होशियार थे, बुद्धिमान थे। एंड और हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग में परिश्रमी थे। तो उनके चारों पुत्र कैसे थे? बुद्धिमान थे और परिश्रमी थे, मेहनत करने वाले थे। मिस्टर रामचंद्र लव्ड देम ऑल। मिस्टर रामचंद्र थे वो अपने पुत्रों को बहुत प्यार किया करते थे। क्या करते थे? अपने पुत्रों को बहुत प्यार किया करते थे, बहुत प्यार करते थे। एंड और गेव देम, और उन्हें देते थे गुड एजुकेशन। गुड एजुकेशन मीन्स अच्छी शिक्षा। इन अ वेरी गुड स्कूल, एक बहुत अच्छे स्कूल में। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी? वे अपने पुत्रों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें एक बहुत ही अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवाई या शिक्षा दी। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स मीन्स कुछ सालों बाद। दे फिनिश्ड देयर स्टडीज मीन्स कुछ सालों बाद उनकी जो पढ़ाई थी वो पूरी हो गई। एंड और जॉइंड मीन्स शामिल हुए देयर फादर, अपने पिताजी के साथ। इन हिज बिजनेस, उनके बिजनेस में, मतलब जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो पढ़ाई पूरी होने के बाद जो उनके पापा का बिजनेस था, उनके जो पिता का बिजनेस था, वो उसी में लग गए, उसी में शामिल हो गए। दे वर्क्ड वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन काम किया करते थे, कठिन परिश्रम किया करते थे, मेहनत से काम किया करते थे। एंड और सिंसियरली मीन्स ईमानदारी के साथ काम करते थे और गंभीरता के साथ काम करते थे। विद हिम, उनके साथ द होल डे, पूरे दिन, मतलब वो अपने पिता के साथ मेहनत के साथ
और ईमानदारी के साथ अपने पिता के साथ काम किया करते थे काम करते थे ऑल द फोर वर ऑनेस्ट ऑल द फोर मीन चारों ही चारों पुत्र कैसे थे वर ऑनेस्ट ईमानदार थे लबोरियस परिश्रमी थे बहुत मेहनत करने वाले थे एंड और कोऑपरेटिव मीन्स सहकारी थे सहकारी का मतलब सबकी मदद करते थे सहयोग करते थे ये नहीं कि आपस में लड़ रहे हैं जैसा हमने पहले बार तो इसमें चारों पुत्र कैसे थे बहुत ही मेहनती थे बहुत मेहनत करने वाले थे ईमानदार थे सहकारी थे एक दूसरे का सहयोग करने वाले थे हाउएवर हालांकि देयर फादर उनके पिता वॉज नॉट वेरी मच हैप्पी मतलब उनके पिता खुश नहीं थे एंड और सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट नहीं थे विद देयर वे ऑफ वर्किंग उनके काम करने के तरीके से मतलब उनके पिता को उनके काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगता था वो उससे उस काम करने के तरीके से खुश नहीं थे चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं ही वॉन्टेड टू टेल दैम हाउ दे शुड वर्क सो ही डिवाइज्ड अ प्लान टू मेक दैम रियलाइज हाउ टू वर्क प्रॉपरली एंड इन अ वेल प्लान्ड वे वन डे ही कॉल्ड ऑल द फोर सन्स ही गेव ईच ऑफ दैम 1,000 rupees देन ही सेड माय डियर सन्स आई एम सेटिस्फाइड विद योर हार्ड वर्क बट यू शुड ऑल्सो लर्न टू डू थिंग्स इन अ प्रॉपर वे आई गिव रुपीज 1,000 टू ईच ऑफ यू आई वॉन्टेड टू सी हाउ बेस्ट यू कैन यूज इट फॉर डूइंग थिंग्स क्या है इस पैराग्राफ में ही वॉन्टेड टू टेल ही वॉन्टेड टू टेल मीन्स वह बताना चाहते हैं वह बताना चाहते थे देम उन्हें तो वह उन्हें बताना चाहते थे हाउ कैसे दे शुड वर्क उन्हें काम करना चाहिए मतलब वो उन्हें बताना चाहते थे कौन जो रामचंद्र थे जो उनके फादर थे वो अपने बेटों को बताना चाहते थे कि उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए सो इसलिए ही डिवाइज्ड अ प्लान टू मेक देम रियलाइज हाउ टू वर्क प्रॉपरली एंड इन अ वेल प्लान्ड वे सो इसलिए ही डिवाइज का मीनिंग होता है किसी काम को करने का नया तरीका निकालना या फिर बनाना करना सो ही डिवाइज्ड अ प्लान मीन्स उन्होंने एक योजना बनाई टू मेक देम रियलाइज मतलब उनको एहसास दिलाने के लिए हाउ टू वर्क प्रॉपरली मतलब कि कैसे उन्हें तरीके से काम करना चाहिए एंड और इन अ वेल प्लान्ड वे और एक मतलब उन्होंने क्या बताई जो फादर थे उन्होंने एक योजना बनाई किसके ऊपर योजना बनाई कि उन्हें समझाने के लिए एक योजना बनाई कि कैसे और किस तरीके से काम करना चाहिए किस तरीके से हमें कोई भी काम को करना चाहिए ताकि वो काम हमारा खराब ना हो और ठीक हो एक सही वे में हो सही तरीके से हो तो उन्होंने अपने बेटों को यह समझाने के लिए क्या बनाई एक योजना अब हम देखते हैं कि वो योजना क्या थी वो प्लान क्या था वन डे एक दिन ही कॉल्ड ऑल द फोर सन्स जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है ना उन्होंने उनके फादर ने अपने चारों बेटों को बुलाया ही गेव ईच ऑफ दैम 1,000 rupees उन्होंने अपने चारों बेटों को 1,000 rupees दिए पिक्चर में दिख रहा है आपको आप पिक्चर से भी समझ सकते हैं कि वो ये रामचंद्र हैं और ये उनके चारों बेटे हैं तो उन्होंने चारों बेटों को 1,000 rupees दिए देन फिर ही सेड उन्होंने कहा माई डियर सन्स मेरे प्यारे पुत्रों आई एम सेटिस्फाइड विद योर हार्ड वर्क
मैं तुम्हारे हार्ड वर्क से, मैं तुम्हारे कठिन कार्य से, मीन्स तुम्हारी मेहनत से सहमत हूँ, तुम्हारी मेहनत से संतुष्ट हूँ। बट यू शुड ऑल्सो लर्न टू डू थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, लेकिन यू शुड ऑल्सो लर्न, आप सभी को सीखना चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए टू डू थिंग्स, चीज़ों को करना इन अ प्रॉपर वे, एक सही तरीके से। उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय पुत्रों कि मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत से संतुष्ट हूँ, लेकिन तुम्हें चीज़ें सही तरीके से भी करना सीखना चाहिए। ये नहीं कि हमने काम कर दिया, जैसे क्या होता है क्लास में हमने होमवर्क करने के लिए दिया या क्लास वर्क दिया किस काम करने के लिए कि आप 10 lines लिखकर दिखाइए अपने ऊपर। अब आपने देखा है सबकी कॉपी एक जैसी तो होती नहीं है, किसी ने बहुत अच्छी तरीके से उस काम को किया, किसी ने गंदी राइटिंग में काम किया, किसी ने आधा काम किया, आधा काम ही नहीं किया। तो ये क्या है काम करने का तरीका। मैंने 10 lines सबको लिखने के लिए दी, लेकिन सबके लिखने का तरीका अलग है। कोई नंबरिंग डाल के करेगा, कोई प्रॉपर वे में करेगा, कोई आधा काम करेगा, कोई गलत लाइन लिखेगा। तो काम करने का तरीका होता है। आई गिव ₹1000 टू ईच ऑफ यू, मैं तुम सबको 1000 rupees देता हूँ। आई वॉन्ट टू सी मीन्स मैं देखना चाहता हूँ। हाउ बेस्ट मीन्स कितने अच्छे से। यू कैन यूज, तुम इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, फॉर डूइंग थिंग्स, चीज़ों को करने के लिए। मतलब फार्मर जो फादर थे उनकी योजना ये थी, उनका प्लान ये था कि उन्होंने अपने चारों बेटों को 1000 rupees दिए और वह ये देखना चाहते थे कि उनके चारों बेटे उन 1000 rupees से किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है कुछ क्या करेगा, कुछ ऐसी अपनी सेविंग ऐसी पैसों को उड़ा देंगे, कुछ उनसे कुछ अच्छा करना चाहेंगे। तो वो यही देखना चाहते थे कि उनके चारों बेटे उस 1000 rupees का सही उपयोग कैसे करते हैं, चीज़ों को करने में किस तरीके से उन 1000 rupees का उपयोग करते हैं। तो हमने पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि जो मिस्टर रामचंद्र थे उन्होंने अपने चारों बेटों को 1000 rupees दिए, 1000 rupees दिए। आगे पढ़ते हैं। There are 4 rooms on the first floor of our room. They all are vacant. Each of you occupy 1 room separately. I want to know how well you can fill your room with the least expenditure. You can keep the money with you and spend it according to your choice and necessity. You can save the rest of money. I give you 3 days to complete the work. After 3 days, that is on the 4th day, I shall inspect your rooms. After accepting the money from their father, the boys wanted to leave him. क्या है इस पैराग्राफ में? There are 4 rooms on the first floor of our room. उन्होंने कहा कि हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पर कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 4। They all are vacant. और वो चारों कमरे कैसे हैं? खाली हैं। कैसे हैं? खाली। Each of you occupy 1 room separately. उन्होंने कहा each of you means तुम हर एक को, ऑक्यूपाई 1 room सेपरेटली मतलब तुम लोग एक एक रूम अलग अलग ले लो। एक रूम एक सन ले लेगा, एक एक रूम सब अपना अपना रूम एक ले लो। 4 कमरे हैं 4 कमरे चारों बेटों के लिए हो गए। आई वॉन्ट टू नो मीन्स मैं जानना चाहता हूँ हाउ वेल यू कैन फिल योर रूम विद द लीस्ट एक्सपेंडिचर। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कम से कम खर्चे के साथ कमरा कैसे भरते हो, ठीक तरीके से कमरा कैसे भरते हो। उन्होंने कहा मैं तुम्हें 1000 rupees दे रहा हूँ चारों बेटों को, 1000 rupees। अब आपका काम है कि आपको एक 4 कमरे दिए जा रहे हैं, एक कमरा
हर एक के पास कितने कमरे हुए, एक एक कमरा। आपको उस एक कमरे को भरना है, और कैसे भरना है, कम से कम पैसों के साथ, ये नहीं बहुत खर्चा किया। आपके पास 1,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये से ही आपको उस कमरे को भरना है। इस तरीके से आपको उस कमरे को भरना है कि वो पूरा कमरा आपका भर जाए। यू कैन कीप द मनी विद यू एंड स्पेंड इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड नेसेसिटी। तुम्हें जो 1,000 रुपये मिले हैं, आप उन हज़ार रुपये को अपने पास रख लो, एंड और स्पेंड इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अनुसार उनको खर्च कर सकते हो। एंड नेसेसिटी, और जैसे जैसे तुम्हें ज़रूरत है, जहाँ पर तुम्हें खर्च करने हैं या जो सामान तुम्हें लाना है, उस तरीके से आप अपने पैसे खर्च कर सकते हो। यू कैन सेव द रेस्ट ऑफ मनी। अगर आपके पैसे बच भी जाते हैं तो आप उन पैसों को बचा भी सकते हो और अपने पास रख सकते हो। आई गिव यू 3 days टू कम्प्लीट द वर्क। मैं काम कम्प्लीट करने के लिए, काम पूरा करने के लिए तुम्हें कितने दिन देता हूँ, 3 दिन। उन्होंने कहा ये लो 1,000 रुपये, ये 4 कमरे हैं, एक एक कमरा सब ले लो, और आपका काम है कि हर एक कमरे को, आपको अपने कमरे को इस तरीके से फिल करना है, इस तरीके से भरना है कि वो कमरा पूरा भर जाए, और कम से कम खर्चे के साथ, क्योंकि आपके पास ओनली 1,000 रुपये ही हैं, 1,000 रुपये में ही आपको अपना कमरा भरना है। और उन्होंने कहा कि इस काम को करने के लिए मैं तुम्हें कितने दिन देता हूँ, 3 दिन। आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद, दैट इज ऑन द 4th day, मीन्स चौथे दिन, 3 दिन बाद, इसका मतलब कौन सा, चौथा दिन, आई शैल इंस्पेक्ट योर रूम्स। फिर मैं तुम्हारे कमरों की क्या करूँगा, जांच करूँगा या तुम्हारे कमरों को देखूँगा। आफ्टर एक्सेप्टिंग द मनी, मतलब पैसे लेने के बाद, फ्रॉम देयर फादर, अपने पिता से, द बॉयज वॉन्टेड टू लीव हिम, तो बच्चे क्या चाहते थे, जो लड़के थे वो ये चाहते थे कि, मतलब उन्होंने अपने पिता से पैसे ले लिए, और पिता से लेने पैसे लेने के बाद वो उस कमरे को छोड़ने चाहते थे कि अब वो उस कमरे को छोड़ दें, चले जाएं, जो उन्हें काम करना है, अब पैसे मिले हैं, उन्हें सोचना है कि किस तरीके से वो उस कमरे को फिल करें, तो अब वो उसको छोड़ना चाहते थे, वहाँ से जाना चाहते थे। अब हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि जितनी स्टोरी आपको पढ़ाई गई है, और इस स्टोरी के बीच में बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आए होंगे जिन्हें आपको समझना है, जिनकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए, तो आज आपको होमवर्क में इस स्टोरी को रीड करना है और उसकी हिंदी भी समझनी है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।